हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर झा आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आज जो डिस्कशन का टॉपिक है वो भारत की भौगोलिक अवस्थिति और उसका जो महत्व है इस पर हम लोग करने जा रहे हैं। तो बेसिकली यह जो टॉपिक है इसमें पीटी का सेक्शन कम है और एनालिटिकल सेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि फोकस जो होगा इसमें भारत का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, लोकेशन का महत्व क्या है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे और आप अपना नोट्स जैसे पहले प्रिपेयर्ड करते जा रहे थे वैसे ही आप अपना नोट्स बनाते जाएंगे। लेकिन इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप इस टॉपिक में किन किन चीज़ों को जान पाएंगे और किन किन चीज़ों पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति है, इस ज्योग्राफिकल लोकेशन की व्याख्या हम कई दृष्टिकोण से करेंगे। आप देखेंगे कि उसमें कौन कौन सा पार्ट आता है उसको ध्यान में रखने की, और फिर जो भारत का ज्योग्राफिकल लोकेशन है कई दृष्टिकोण से निकल कर सामने आएगा, उस लोकेशन का महत्व क्या है, उस लोकेशन के महत्व का हम विश्लेषण करेंगे कि इसका भारत के जलवायु के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, इसका भारत के वेजिटेशन के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, भारत के मृदा के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, और सामरिक दृष्टिकोण से भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन का क्या महत्व है। तो इसमें जो जानने की चीजें हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन तो आप भी जानते होंगे, जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है, और अन्य जिस तरीके से भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन की व्याख्या होती है आप जानते हो। लेकिन ये जो इसका मेंस का सेक्शन है वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी में और राज्य आधारित जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन के महत्व पर मेंस में प्रश्न आते हैं, तो वो आप जान पाएंगे और उस पर प्रश्न का उत्तर आप लिख पाएंगे। तो आइए आपको लिए चलते हैं सबसे पहले कि भारत का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसकी व्याख्या किस तरीके से होती है वो आप ध्यान से। तो भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन की जो व्याख्या होती है, एक हम लोग देखेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन की जो व्याख्या होती है वो अक्षांश और देशांतर के आधार पर भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन की व्याख्या होती है। दूसरा इसको हम लोग देखेंगे कि जो एशिया महाद्वीप की स्थिति है, तो एशिया महाद्वीप के आधार पर भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन की क्या स्थिति है उसकी व्याख्या करेंगे। तीसरा हम लोग देखेंगे जो भारतीय उपमहाद्वीप होता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के आधार पर भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन की क्या स्थिति है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आधार पर। और चौथा जो भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन की व्याख्या होगी वो ज्योग्राफिकल लोकेशन की व्याख्या होगी कि हिंद महासागर के दृष्टिकोण से, हिंद महासागर को ध्यान में रखते हुए भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन किस स्थिति, हिंद महासागर के दृष्टिकोण से, इन चार दृष्टिकोण से की व्याख्या होगी। और जब इस चार दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या करेंगे तो ऑल ओवर हम लोग देखेंगे जो ग्लोब है उस ग्लोब पर भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन की क्या स्थिति बनती है, ग्लोब पर उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जब आप इस सभी को समझ लेंगे तो यहाँ पर हम आ जाएंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो। तो सबसे पहले चलते हैं कि भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार किस तरीके से है वो आप जान देखें। यहाँ पर भारत का जो दक्षिणतम बिंदु मेनलैंड का है वो कन्याकुमारी है, जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से है, और उत्तर में इसका एक्सपेंशन जो हो जाएगा वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक होगा। और देशांतरीय दृष्टिकोण से यदि भारत के विस्तार को देखेंगे तो यह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से आरंभ होता है और पूर्व में जाकर ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर पर समाप्त होता है। और यदि हम आइलैंड को भी शामिल कर लेते हैं, द्वीप समूह को भी शामिल कर लेंगे, तो भारत का जो दक्षिणतम विस्तार जाएगा उत्तरी गोलार्ध में वह हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक, जो अंडमान निकोबार द्वीप में हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट हमारा सबसे क्या हो जाएगा, दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। हालांकि 2004 का जो सुनामी आया था बंगाल की खाड़ी में उस समय ये द्वीप डूब चुका है, लेकिन स्ट्रेटजिकली क्या है कि अभी भी हमारा यदि ऑल ओवर देश अक्षांशीय विस्तार होगा वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होगा। और प्रश्न दो तरीके से इसमें ध्यान में रखने की जरूरत है, जब आपसे ये पूछता है कि भारत के मेनलैंड का अक्षांशीय विस्तार कहाँ पर है, तो मेनलैंड का अर्थ होता है कि मुख्य भूमि, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट।
और यदि प्रश्न सीधे ही आ जाएगा कि मुख्य भूमि के साथ द्वीप समूह को भी यदि इंक्लूड कर लेंगे तो क्या होगा, तो आपको 6 डिग्री 4 मिनट से इंक्लूड करना है। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, अक्षांशीय दृष्टिकोण से यदि देखेंगे, तो भारत पूरी तरीके से कहाँ आता है कि अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में आता है, क्योंकि ये 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर जाकर एंड होता है। तो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में आता है। और दूसरा जो तो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पर जाकर एंड होता है। तो देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत जो हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। तो ग्लोब पर अब इसका अर्थ है कि भारत की जो लोकेशन हो जाएगी, जो पोजिशन हो जाएगी, वो भारत क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर का देश हो जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न जो देशांतर है उसका देश हो जाएगा भारत, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो एक भारत के स्थिति की व्याख्या हम लोग इस तरीके से करते हैं। अब यदि आप इसको ग्लोब के ऊपर वर्ल्ड के मानचित्र पर देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। 0 डिग्री से उत्तर का जो पार्ट उसका होता है इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और 0 डिग्री से दक्षिण जो होता है नापी जाती है डिस्टेंस, उसको हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये जो ब्रिटेन का लंदन शहर है, यहाँ पर ग्रीनविच वेधशाला है, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर निकला हुआ है। तो 0 डिग्री से ईस्ट देशांतर, इसको हम लोग कहेंगे 0 डिग्री देशांतर है। तो इससे ईस्ट की ओर जो दूरी मापी जाती है डिस्टेंस, उसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और वेस्ट की ओर जो दूरी मापी जाती है इसको वेस्टर्न देशांतर कहते हैं। अब भारत देख रहे हैं कि 0 डिग्री से ये उत्तर में है, यानी यहाँ पर मेनलैंड का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है और यहाँ पर जाकर ये 37 डिग्री 6 मिनट पर जाकर इंड होता है नॉर्थ में। और देशांतर के दृष्टिकोण से ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर जाकर इंड होता है। तो कुल मिला के इसीलिए मैंने कहा कि इससे पूर्व की ओर की दूरी पूर्वी देशांतर में मापते हैं, इससे इधर का डिस्टेंस हम लोग उत्तरी गोलार्ध में मापते हैं। तो ग्लोब पर भारत का जो लोकेशन हो जाएगा वो भारत क्या हो जाएगा, जैसे पहले भी बताया, वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर का देश हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर का क्या हो जाएगा, भारत देश हो जाएगा। पहली व्याख्या इसकी इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब भारत के लोकेशन की जो दूसरी व्याख्या होगी, जो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मेट करके कि किस तरीके से इसकी व्याख्या को समझना है, तो भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन की जो व्याख्या हो जाएगी वो हो जाएगी एशिया महाद्वीप के दृष्टिकोण। और जब हम लोग एशिया महाद्वीप के दृष्टिकोण से भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन की व्याख्या करेंगे तो आप देखेंगे एशिया महाद्वीप की जो सीमाएं बनती है, यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे तो ये टर्की का एरिया है, कैस्पियन सागर का एरिया लेते हुए यहाँ पर एक यूराल पर्वत यूराल नदी से होता है, और इस तरीके से ये जो एरिया हो जाएगा ये एशिया महाद्वीप का एरिया हो जाएगा। अब इस एशिया महाद्वीप में यदि आप भारत के इस ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखेंगे तो भारत की जो लोकेशन बनती है एशिया महाद्वीप में वो क्या बनती है कि इसका लोकेशन लैंड बाउंड्री से भी बनता है, यानी कि जो भारत का ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बेसिकली क्या है, एशिया महाद्वीप में लैंड बाउंड्री से भी है, और दूसरा इसकी सागरीय सीमा भी बनती है, सागरीय सीमा भी बनती है। लैंड बाउंड्री का जो लोकेशन है ये लगभग 15,200 किलोमीटर हो जाता है, और जब सागरीय सीमा के लोकेशन की हम लोग बात करते हैं तो सागरीय सीमा का जो लोकेशन है मेनलैंड और आइलैंड को भी शामिल कर लेंगे, ये 7,500 किलोमीटर से कुछ अधिक बनती है। तो चूंकि अब भारत की जो सीमा है वो लैंड से भी बनती है एशिया महाद्वीप के कई देशों से, 7 देशों से, और सागरीय सीमा भी बनती है, तो इस दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि एशिया महाद्वीप के देशों में आप इसको रख सकते हैं, और एक उभरता हुआ राइजिंग देश है ये भी आप जानते हैं। तो लैंड और सागरीय सीमा से लगे होने के कारण क्या है कि भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन का बड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि लैंड और सागरीय दोनों सीमा से लगा हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन का क्या हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंस हो जाता है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा तीसरी व्याख्या जिसको हम लोग एशिया महाद्वीप कहते हैं, जिसको हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो भारतीय उपमहाद्वीप में यदि आप देखेंगे
भारत की जो स्थिति बनती है भारतीय उपमहाद्वीप में, वो सेंट्रल स्थिति बन जाती है, केंद्रीय स्थिति बनती है। सेंट्रल स्थिति क्या बनती है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल है। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक पाकिस्तान शामिल है, दूसरा इसमें भारत शामिल है, तीसरा इसमें नेपाल शामिल है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का देश है, चौथा इसमें भूटान शामिल है, और पांचवा इसमें क्या है, बांग्लादेश शामिल है। तो इस एशिया महाद्वीप के कॉन्टिनेंट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये पाकिस्तान हो जाएगा, ये इंडिया हो जाएगा, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, और यहाँ पर बांग्लादेश है। तो एशिया महाद्वीप में जो भारतीय उपमहाद्वीप है यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी क्या है कि भारत की स्थिति जो है वो मध्यवर्ती हो जाती है। एक तरीके से क्या है, मध्यवर्ती है, सेंट्रल हो जाती है। और यह जो मध्यवर्ती भारत की स्थिति है, सेंट्रल लोकेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यह सेंट्रल लोकेशन भारत के एक तरीके से अंतरिक्षीय संबंध कहेंगे, अन्य देशों के साथ अंतरिक्षीय संबंध, स्पेशियल रिलेशन, या आप इसको कह सकते हैं कि विदेश संबंध को स्थापित करने में बड़ी भूमिका अदा की है, यह आप ध्यान से रखेंगे। पर तो हम अलग से भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये तो तीसरा इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात हो गई कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जिसमें 5 देश शामिल हैं, उन 5ों देशों को भी यदि ध्यान देखा जाए तो इसमें भी भारत की स्थिति सेंट्रल बनती है, मध्यवर्ती बनती है, और इस दृष्टिकोण से भी भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। और चौथा जो भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन की व्याख्या हमने आपको बताई थी वो हिंद महासागर के दृष्टिकोण। तो हिंद महासागर के दृष्टिकोण से यदि आप भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखेंगे तो भारत जो एकमात्र देश है, या हिंद महासागर एकमात्र देश है जिसका नाम किसी भी देश के नाम पर रखा गया, वो है इंडिया के नाम पर हिंद महासागर का। और बिल्कुल आप देखेंगे कि हिंद महासागर यहाँ पर यदि 0 डिग्री अक्षांश निकल जाती है तो ये बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, ये अरेबियन सी है जो मार्जिनल सी है इसका, हिंद महासागर का, नॉर्दर्न इंडियन ओशियन का। तो हिंद महासागर के दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो यह हिंद महासागर का एक तरीके से ताज कहलाता है, ताज कहलाता है, जो क्राउन की स्थिति होती है ताज की, मुकुट की। तो हिंद महासागर के शीर्ष पर अवस्थित ये देश है, और हिंद महासागर के शीर्ष के साथ साथ क्या है, उत्तरी हिंद महासागर में शीर्ष और प्लस सेंट्रल स्थिति है, इसकी मध्यवर्ती स्थिति है। तो हिंद महासागर में जो भारत की शीर्ष और सेंट्रल स्थिति है, यह ज्योग्राफिकल लोकेशन भी भारत के लिए बड़ा महत्व रखता है। और अब आप इस ज्योग्राफिकल लोकेशन की व्याख्या कई दृष्टिकोण से कर सकते हैं। और जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस ज्योग्राफिकल लोकेशन की व्याख्या कई दृष्टिकोणों से की जा सकती है, तो इसमें एक जलवायु के दृष्टिकोण से हो सकती है, दूसरा वनस्पति के दृष्टिकोण से, तीसरा मृदा के दृष्टिकोण से, चौथा आर्थिक दृष्टिकोण से, और पांचवा सामरिक और अन्य जो इसका एस्पेक्ट आएगा उस दृष्टिकोण से भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो सबसे पहले जलवायु के दृष्टिकोण से यदि भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन को आप देखेंगे तो जैसे कि पहले ही आपको बताया अक्षांश, तो यहाँ से क्या होगा कि कर्क रेखा निकल जाती है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की रेखा यहाँ से निकलती है। और अक्षांश के दृष्टिकोण से देखते हैं और जलवायु के दृष्टिकोण से, इसके जलवायु के ऊपर क्या प्रभाव है, तो कर्क रेखा से उत्तर का जो भारत हो जाएगा, बेसिकली अक्षांश के दृष्टिकोण से क्या होता है, ये उपोष्ण कटिबंध में आ जाएगा, जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और कर्क रेखा से दक्षिण का जो भारत है ये बेसिकली क्या आ जाएगा, उष्ण कटिबंध में आ जाएगा, जिसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, उष्ण कटिबंध में आ जाएगा। तो भारत में क्या होता है कि भारत का जो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है, अक्षांशीय विस्तार जो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक है, इसके कारण क्या है कि भारत में यह दोनों प्रकार की जो जलवायु दशाएं होती है, जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषता होती है वो भी भारत में पाई जाती है, और जो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषता होती है वो भी भारत में पाई जाती है। एक दूसरा क्या है कि चूंकि जो दक्षिण भारत है, अर्थात जो कर्क रेखा से दक्षिण का भारत है, ये बेसिकली विषुवत रेखा के क्या है, नजदीक है। और विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण क्या है कि दक्षिण भारत में मौसमी परिवर्तन बहुत अधिक नहीं होता है, क्योंकि वर्ष भर लगभग समान टेम्परेचर की दशाएं रहती है, जिस पर कुछ समुद्र जो चारों तरफ से घिरा है उसका भी प्रभाव होता है। तो टेम्परेचर का वेरिएशन तटीय क्षेत्रों में खासकर का बहुत कम होता है, अंदरूनी भागों में थोड़ा बहुत होता है। लेकिन उत्तरी भारत जो विषुवत रेखा से काफी दूर है,
उत्तरी भारत में क्या होता है कि मौसम का वेरिएशन बहुत अधिक होता है। जून के महीने में आप जब देखते हैं कि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत होता है तो उत्तर भारत में भी प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन अभी की स्थिति में जब दिसंबर जनवरी का महीना आ जाता है तो सूर्य जब मकर रेखा के ऊपर लंबवत वर्टिकल होता है तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें क्या होती है, काफी तिरछी होती है, स्लैंट रे के रूप में आती है। और इस तिरछी किरणों के कारण क्या होता है कि दिन की लंबाई छोटी होती है, सौर विकिरण की मात्रा कम आती है और कुल मिलाकर टेम्परेचर का इम्पैक्ट काफी कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर काफी मौसम का वेरिएशन होता है, यानी कि भारत में जितने भी मौसम हैं उस मौसम का अनुभव जितना बेहतर हम उत्तर भारत में कर सकते हैं, इंडो गैंगटिक प्लेन में कर सकते हैं, उतना हम दक्षिण भारत में नहीं कर सकते। और इसका मुख्य कारण है भारत का अक्षांशीय लोकेशन, और उसके कारण जो भारत की जलवायु बनती है वो, और अक्षांशीय लोकेशन के कारण दक्षिण भारत उष्ण कटिबंध में और उत्तर भारत उपोष्ण कटिबंध में आ जाता है। तो पहला इसका फर्क है भारत के जलवायु के ऊपर। दूसरा, इस जलवायु के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत का जो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है, हालांकि उसमें कई और एस्पेक्ट आ जाएंगे, लेकिन यदि भारत में मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है और इस मानसून प्रकार की जलवायु के पाए जाने में भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि मानसून का अर्थ होता है कि सीजन के अनुसार विंड का वापस लौटना। तो सीजन के अनुसार विंड का वापस लौटने में क्या होता है कि लगभग 6 महीने सागर से लैंड की ओर पवने आती है और अगले 6 महीने लगभग लैंड से सागर की ओर पवने जाती है। ये जो वेरिएशन होता है पवनों का, वो जो भारत के तरीके से ज्योग्राफिकल लोकेशन है और लैंड और सी का जो डिफरेंशियल हीटिंग होता है उसका इसमें मूल कंट्रीब्यूशन है, बट मानसून क्लाइमेट पर इस ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी प्रभाव है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। वनस्पति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत में मूल रूप से क्या है, 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और जो 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उस 5 प्रकार की वनस्पति में देखेंगे, और यदि और आप बेहतर तरीके से इसकी व्याख्या चाहते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर, यानी कि ट्रॉपिकल इवर ग्रीन फॉरेस्ट से लेकर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर क्या होता है, एक तरीके से अल्पाइन वन तक मिलता है। अल्पाइन वन जो ध्रुवीय प्रदेशों में हिमाच्छादित क्षेत्रों में मिलता है वैसी वनस्पति भी आपको मिलेगी। तो ट्रॉपिकल कंडीशन में जो वनस्पति बनती है वो भी हमारे यहाँ मिलती है, और जो पोलर रीजन में आपको वनस्पति मिल सकती है वो भी हमारे यहाँ मिलती है, जिसको अल्पाइन वेजिटेशन कहते हैं। वो कहाँ पर मिलेगा, तो हिमालय के क्षेत्रों में जो हाई एल्टीट्यूड का एरिया होगा वहां पर मिलता है। और जो उष्ण कटिबंधीय हमारे यहाँ सदाबहार वन मिलता है उसका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है तो वो लक्षद्वीप में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वैसा कंडीशन है जैसे कटिबंधों में, या जिस तरीके के ज्योग्राफिकल कंडीशन में आपको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे। लक्षद्वीप में मिलता है, अंडमान निकोबार द्वीप में मिलेगा, पश्चिम घाट पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है, कुछ उत्तर पूर्वी भारत में भी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलता है। तो इस भारत में जो डिफरेंट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति के विकास पर क्या है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन का प्रभाव है। यदि भारत की तट रेखाएं नहीं होती, जो लंबी तट रेखा है इस लंबी तट रेखाओं के सहारे क्या है, खासकर पूर्वी तट के सहारे मैंग्रोव वन का विकास हुआ है। तो चूंकि भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो सागर और लैंड दोनों के साथ है, तो पूर्वी तट डेल्टा का फॉर्मेशन करता है वहां की नदियां, इसलिए वहां पर हमें मैंग्रोव वन भी काफी अधिक मिलता है। कुल मिलाकर भारत में पाई जाने वाली वनस्पति की विविधता, उसकी सघनता, उसकी क्वालिटी पर कई कारकों का प्रभाव है, लेकिन उसमें एक ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी प्रभाव है। मृदा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत में कुल मिलाकर क्या है कि 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, और उस 8 प्रकार की मृदा में जो 3 प्रकार की मृदा है वो जलवायु की उपज मानी जाती है, या एक तरीके से ज्योग्राफिकल लोकेशन जैसी है भारत की, और उसके कारण जो भारत की जलवायु है उसके कारण। तो इसमें पहला जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से पीट मृदा, पीट मृदा पर जलवायु भारत के भूगोल के कुछ लोकेशन का प्रभाव है। दूसरा, जो शुष्क मृदा है उस शुष्क मृदा का प्रभाव के निर्माण में, और तीसरा जो लेटराइट मृदा होता है इस लेटराइट लेटराइट मृदा के निर्माण पर भी भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन का प्रभाव है। अब इसकी व्याख्या काफी डीप हो सकती है, लेकिन अभी आपको ये पॉइंट समझ लेना काफी आवश्यक है। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन को डिफरेंट
डिफरेंट एंगल से आप समझ सकते हैं कि इस ज्योग्राफिकल लोकेशन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो इस ज्योग्राफिकल लोकेशन का कृषि पर प्रभाव है, भारत के कृषि पर प्रभाव है। दूसरा क्या है, इस ज्योग्राफिकल लोकेशन का बंदरगाह के निर्माण और विकास के ऊपर प्रभाव है। तीसरा, इस ज्योग्राफिकल लोकेशन का क्या है कि भारत के व्यापार पर प्रभाव है। ये तीन तो इसका स्पष्ट आर्थिक प्रभाव आपको दिखाई देगा। कृषि क्या, तो चूंकि भारत की जो लोकेशन है वो उष्ण कटिबंध से लेकर उपोष्ण कटिबंध तक है, तो लगभग भारत एक ऐसा प्रदेश है जहां पर प्रत्येक प्रकार की जलवायु प्रदेश में उपजाई जाने वाली फसलें उपजाई जाती है। प्रत्येक प्रकार की जलवायु प्रदेश में, प्रत्येक प्रकार की जलवायु प्रदेश में उपजाई जाने वाली फसलें उपजाई जाती है। यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन में फसल होता है वो हमारे यहाँ होता है, जो सब ट्रॉपिकल रीजन में होगा वो भी हमारे यहाँ होता है, जो टेम्परेट दशा में होता है वो भी, क्योंकि जो हिमालय का उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर शीतोष्ण शीत दशाएं हो जाती है, तो शीतोष्ण और शीत दशा में जो कृषि हो सकती है वो भी हमारे यहाँ होता है। तो कृषि के ऊपर दूसरा क्या है कि बंदरगाह के ऊपर जो है, तो भारत की जो पश्चिमी तट है और जो पूर्वी तट है, तो पश्चिमी तट जो है खासकर क्या है कि इसकी संरचना जो है वो दंतानुरित है, और पश्चिमी तट संरचना दंतानुरित है इस इंटेंशनल तट होने के कारण क्या है कि इस तट के सहारे कई सारे बंदरगाहों का विकास हुआ है ये। और दूसरा क्या है कि चूंकि भारत का जो लगभग आप मोर देन 95% जो ट्रेड होता है इंटरनेशनल ट्रेड वो समुद्री मार्ग से होता है, और इसका रीजन यही है कि भारत के पास एक लंबी समुद्री तट रेखा है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि 7500 किलोमीटर से भी अधिक की भारत की लंबी समुद्री तट रेखा है, उसके सहारे कई सारे प्राकृतिक बंदरगाह विकसित हैं, कुछ कृत्रिम बंदरगाहों का भी भारत ने निर्माण किया है। तो व्यापार की फैसिलिटी जो है भारत को काफी अधिक मिली हुई है, जो भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन का परिणाम है। और इस लंबी तट रेखा के कारण क्या है कि भारत को एक बहुत बड़ा सागर में ईईजेड क्षेत्र प्राप्त है, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ये क्षेत्र भारत को प्राप्त है, और वो क्षेत्र भारत को अरब सागर से लेके बंगाल की खाड़ी तक में प्राप्त है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो किसी भी देश के बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। और ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, इसमें भारत प्रत्येक प्रकार के आर्थिक संसाधनों का दोहन कर सकता है, यानी कि मत्स्यन कर सकता है, पेट्रोलियम निकाल सकता है, प्राकृतिक गैस निकाल सकता है, और सागर के मैरिन फ्लोर पर जो मैग्नीज नूडल्स पाया जाता है वो भी भारत यहाँ पर निकाल सकता है इस अन्य आर्थिक क्षेत्र में। तो इकोनॉमिकली दृष्टिकोण से क्या है कि भारत के लिए बहुत महत्व है, और खासकर भारत का जो सेंट्रल स्थिति है हिंद महासागर में, इसके कारण क्या है कि भारत पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाले व्यापारिक कारवा के केंद्र पर पड़ता है, और इसका भी भारत को लाभ मिला हुआ है। और सामरिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो बिल्कुल कई दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या हो सकती है कि भारत की जो द्वीपें हैं, खासकर जो अरब सागर में द्वीप लक्षद्वीप समूह है, जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, इन द्वीपों का भारत के लिए क्या है कि बड़ा ही स्ट्रेटजिकली महत्व है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हिंद महासागर का जियोपॉलिटिक्स इंक्रीज कर रहा है और सबसे चर्चित एरिया हो गया है, तो उस जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से भारत का जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर जो लक्षद्वीप समूह है, इन द्वीपों की भारत के लिए विशेष भूमिका है। और आप देख रहे हैं कि भारत की काफी लंबी तटरेखा बंगाल की खाड़ी के साथ लगा हुआ है, तो इस दृष्टिकोण से न केवल सामरिक दृष्टिकोण से बल्कि विदेश संबंध स्थापित करने में भी भारत के लिए ये ज्योग्राफिकल लोकेशन महत्व रखता है। यानी कि इंटरनेशनल जो हमारा रिलेशन है अभी, उस इंटरनेशनल रिलेशन को स्थापित करने में भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन का विशेष योगदान है। यानी कि इस लोकेशन के कारण भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ भी लैंड बाउंड्री के साथ संबंध स्थापित करने में ये मदद करता है, और समुद्री लोकेशन है के कारण जो सेंट्रल कंट्री है, जो अफ्रीका के पूर्वी तट के देश हैं, जो दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है, जो ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों के साथ भारत के जो संबंध हैं उसको स्थापित करने में काफ़ी मदद किया है। हालांकि चूंकि अब हर एक तरीके के परिवहन के साधन उपलब्ध हैं, तो संबंध जो है सो अन्य देशों के साथ भी स्थापित किए जा सकते हैं और हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस ज्योग्राफिकल लोकेशन का जो है इंटरनेशनल रिलेशन स्थापित करने में बड़ा ही वाइटल रोल होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और अभी आप देख रहे हैं कि विश्व स्तर पर जो है
आइलैंड कूटनीति का महत्व बढ़ते जा रहा है। आइलैंड जिसको हम लोग द्वीपीय डिप्लोमेसी कहते हैं, आइलैंड डिप्लोमेसी, इस आइलैंड डिप्लोमेसी का भी महत्व बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे ये महत्व बढ़ता है वैसे वैसे क्या कर रहा है कि भारत भी इसकी ओर जा रहा है। और यदि भारत की ये लोकेशन है सागर के साथ, इसलिए आइलैंड डिप्लोमेसी भारत के लिए ज्यादा महत्व रखता है। आपने देखा है कि भारत मॉरिशस के साथ, उसके बाद जो है सो यहाँ पर जिबूती के साथ, फिर जो है सो यहाँ पर सेशल्स के साथ, कई सारे हिंद महासागरीय कंट्री के साथ जो है आइलैंड डिप्लोमेसी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। और वो आइलैंड डिप्लोमेसी जो एक तरीके से आप कहेंगे कि आर्थिक हित से भी जुड़ा हुआ होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि ब्लू इकोनॉमी नीति, ब्लू अर्थिक आर्थिक नीति, यानी कि सागर आधारित आर्थिक नीति विकास को बढ़ावा देने का ये आधार भी प्रदान करता है। तो कुल मिला के भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन की व्याख्या और काफी हो सकती है। इन पॉइंटों को मैंने संक्षिप्त से बताया है, लेकिन इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन की व्याख्या काफी और डिटेल जा सकती है, तो मैं आपके साथ अगले वीडियो में भी शेयर करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।